आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कूड़े से बिजली बनाने का मंसूबा कैसे ठप हो गया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी स्कैंडल में मजीद इंकशाफात सामने आने लगे। गैर मुल्की प्रोजेक्ट को जानबूझकर नाकाम बनाया गया और बगैर पैसे दिए कूड़ा उठाने वाली गैर मुल्की कंपनी को साइड लाइन कर दिया गया। मजीद इंकशाफात के हवाले से मोहम्मद हसन रजा हमें आगाह करेंगे। जी हसन रजा, कंपनी के हवाले से अगर देखा जाए तो 2012 में एक कंपनी थी जो चाइनीज कंपनी थी, जिसके हवाले से हुकूमत पंजाब के दरमियान जो है वो एक एमओयू भी साइन हुआ था। वो साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने जो है ये एमओयू साइन करवाया था और उससे जो है पूरे जो है वो पूरे लाहौर का उन्होंने कूड़ा उठाना था फ्री में, कोई पैसा सरकार का नहीं लगना था। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सरकारी खजाने को बल्कि उन्होंने मुनाफा देना था। और उनके साथ अगर देखा जाए तो उन्होंने लैंडफिल साइट बनानी थी, पूरा कूड़ा उठाना था, सफाई करने के जिम्मेदार थे, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लगाना था और 60% हुकूमत पंजाब को पैसा आना था और 10% जो है 40% जो है वो उनकी कंपनी ने जो है वो मुनाफा हासिल करना था और जिससे जो है 35 अरब रुपए की सरमायाकारी पंजाब में होना थी। और ये एमओयू साइन इस वजह होने के बाद जो है वो मालूम हुआ कि जब कुंदल का कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन करवाई तो मालूम हुआ कि कई कूड़े के जो बेहतरीन अज्जा थे वो किसी और जो है ममसन अफराद की जो बड़े जो है कारोबारी शख्सियत थी उनको कंपनी को दिए जा रहे थे, जिस पर मुतलका कंपनी ने जो है इस पर शदीद एतराजात किए, तहफुजात का इजहार किया और जो है साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट की थी कि ये जो है तमाम कूड़े के अज्जा जो है हम उठाएंगे, लेकिन जिस पर जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से एतराजात सामने आए और उसके बाद जो है ये कंपनी ने इस प्रोजेक्ट से जो है वो करने से इनकार कर दिया। ठीक है, अहम इंकशाफात सामने आ चुके हैं। हसन रजा, बहुत शुक्रिया। कहा था कि ये प्रोजेक्ट जो है ना लाहौर में लगेगा जहाँ पे इनका लैंडफिल है, तो सारा गार्बेज हमारी कंपनी कलेक्ट करेगी, कलेक्ट करके वहाँ पे प्लांट पे उसको कन्वर्ट करेगी एनर्जी में। और उस सिलसिले में हमारी मीटिंग मियाँ साहब मियाँ शहबाज साहब से हुई और उन्होंने एमओयू साइन किया कि दिस इज़ एक्सेप्टेबल। उसके बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली आफ्टर टेस्टिंग इन द लेबोरेटरी कि जो डिस्पोजल उस पर लैंडफिल में जो गार्बेज था उसमें बीटीयू की पावर थी नहीं, उससे पहले ही जो अच्छा मटेरियल था वो किसी और जगह पे फिल्टर होके वहाँ पे जा रहा था, तो इसलिए हमारे लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वर्थ नहीं थी। तो उसमें किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया कि भी हम आपको जो है ना रियल मटेरियल दें ताकि उसमें से आप बिजली पैदा कर सकें। उन्होंने कहा कि हम अपने ट्रक लेके आएंगे, गंद भी आप उठाएंगे, आपको ये भी आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा जो आप ऑलरेडी